देखो, ये जो डिस्टॉर्शन है वो तब होता है जब आपका, अगर ऐसे ऐसे समझो, देखो जब आपके ऑर्बिटल्स अनहैप्पी हो जाए, अनहैप्पी हो जाए मतलब जब उनको अनइक्वालिटी फील हो, तब वो साथ में रहना प्रेफर नहीं करते हैं, तब वो स्प्लिट हो जाना पसंद करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? कि अगर अगर एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ईजी में हुआ तो वो स्टैटिक होगी, मतलब वो स्ट्रांग होगी, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और अगर एसिमेट्री T2J में हुई तो वो वीक होगी, डायनेमिक केस आएगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? हे ऑल, वेलकम बैक ऑन केमिकल सेरेंडिपिटी। सो वी हैव कंप्लीटेड द पोर्शन वेयर वी फाइंड आउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एंड व्हाट वी गॉट द आंसर्स ऑफ लाइक व्हाई दैट काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन इज हैपनिंग एंड इन व्हाट केसेस दिस विल हैपन, इन व्हाट केसेस दिस विल नॉट हैपन। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन। सो टुडे वी आर गोना डू दैट, हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट इन अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स देर विल बी इलोंगेशन और देर विल बी कॉम्प्रेशन। ऑल राइट, सो यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉट एग्जैक्टली वी आर आस्किंग, वॉट वी आर आस्किंग? फॉर एग्जाम्पल देखो, क्या किया था हमने कि अनसिमिट्री होगी तो डिस्टॉर्शन होगी, राइट? लेकिन अनसिमिट्री में क्या बोला, जैसे मतलब ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लो ऐसा कुछ है, D4 हाई स्पिन है, तो 1, 2, 3, 4, तो ईजी अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो गया तो डिस्टॉर्शन होगी, हमने ये किया था। और ये स्ट्रांग वाली डिस्टॉर्शन होगी क्योंकि स्टैटिक डिस्टॉर्शन है, ईजी में इलेक्ट्रॉन है, ईजी में अनसिमेट्री हुई तो ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज वही ऑर्बिटल्स डायरेक्टली जहां से लिगेंड आ रहा है उसकी तरफ को क्या है, ओरिएंटेड है। क्वेश्चन अब ये पूछा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन या क्या DZ² में है, क्योंकि अगर DZ² में होगा तो क्या होगी, इलोंगेशन, आपको कल बता चुकी हूं मैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन DZ² में ना होके क्या ये DX²-Y² में है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर X²-Y² में है तो क्या होगी, कंप्रेशन। तो ये पूछ रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, एक कॉम्प्लेक्स को देख के क्या तुम बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाने वाली है? नहीं बता सकते, है ना? तो वैसे हम नहीं बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसे दे देगा कॉम्प्लेक्स तो आप देख के नहीं बता सकते हो, ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, जो अनस्टेबिलिटी है, जो एसिमेट्री है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो कहाँ पे कम होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी, आप ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स को देख के नहीं बता सकते हो, राइट? बट या देर आर सम अप्रोचेस दैट यू कैन यूज इन सम और इन सर्टेन काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ऑल राइट, सो दैट अप्रोचेस वी आर गोना डिस्कस टूडे, ओके? बट टेंशन मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको कोई भी XYZ कॉम्प्लेक्स उठा के दे देगा किसी भी जगह से, किसी भी जर्नल से, बिकॉज ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यू गाइज कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट थिंग, ओके? यू कैन से लाइक इन वॉट काइंड ऑफ यू नो कॉन्फिग्रेशन इट इज गोना हैपन, बट यू कॉन्ट से अबाउट लाइक ओके लाइक इफ एनी एनी XYZ कॉम्प्लेक्स इज गिवन टू यू, सो यू कॉन्ट से एग्जैक्टली ओके फाइन दैट इलोंगेशन इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हैपन एंड दिस इज द ओनली केस दैट इज ओनली पॉसिबल, यू कॉन्ट से लाइक दिस, राइट? बट या इन सम ऑफ द केसेस देर आर सम अप्रोचेस, तो वो आज थोड़ा हम सीख लेंगे, है ना? तो देखेंगे पहला अप्रोच क्या है। पहला अप्रोच ये है कि आप क्या करो, आप एक काम कर सकते हो ना, इलोंगेशन में जैसे आपको पता है कि आपके क्या होने वाले, इलोंगेशन में जेड के अलोंग आपकी क्या हो जाएगी, रिपल्शन कम हो जाएगी, है ना? तो आपको CFT पता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको पता है कि आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप क्या करो, जो आपकी CFT डायग्राम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इलोंगेशन वाले केस में भी करो, कंप्रेशन वाले केस में भी करो, जिसमें आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आएगी, ऑब्वियसली वो उसी में रहना फेवर करेगा क्योंकि उसमें वो ज़्यादा स्टेबल फील कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द फर्स्ट वी कैन से अप्रोच। तो कैसे देखें, देखो तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं दैट दिस इज द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, दिस इज योर परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल वी कैन से, राइट? फ्रॉम हियर दिस कैन बी डी X²-Y², दिस इज DZ² XY YZ DZX, दिस इज गोना बी कंपेरेटिवली हायर देन द अनदर वन, राइट? एंड वी नो दैट दिस एनर्जी इज योर -1/3 डेल्टा 2,
वी हैव डन दिस इन ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर. सो प्लस दिस इज 2/3 डेल्टा 2, राइट, एंड दिस इज गोना बी योर -1/2 डेल्टा 1, एंड दिस इज गोना बी +1/2 डेल्टा 1. सिमिलरली कंप्रेशन वाला केस भी पढ़ लेंगे, क्या होगा बोलो. यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर में ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, डीस्टेबलाइजेशन. डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज गोना गेट स्टेबलाइज. सिमिलरली देयर विल बी डी वाई जेड डी जेड एक्स एंड स्टेबलाइज्ड विल बी डी एक्स वाई. डू यू नो अबाउट द एनर्जीज, दिस एनर्जी विल बी -2/3 डेल्टा 2, दिस इज गोना बी +1/3 डेल्टा 2, दिस इज -1/2 डेल्टा 1 एंड दिस इज -1/2 डेल्टा 1. यह बात आपको पता है. तो देखो D1 कॉन्फिग्रेशन लेके देखें, तो D1 मान लो अब कंप्रेशन हुई तो क्या पे आएगा, यहाँ पे आएगा. ये दोनों बात समझ में आ गई ना कैसे हुआ, ये हम CFT में भी कर चुके हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया ये कैसे हुआ है ना. अब मानो D1 है, तो D1 या तो क्या होगा, कंप्रेशन वाला केस होगा, तो ये जेड इन वाला केस है कंप्रेशन और ये जेड आउट वाला केस है क्या, इलोंगेशन. तो D1 मान लो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो CFSE निकाल लेंगे ना, इजी है. 1 इलेक्ट्रॉन किस में है, -2/3 डेल्टा 2, और कुछ तो है नहीं, तो ये क्या आ जाएगी, -2/3 डेल्टा 2 जेड इन के केस में. जेड आउट के केस में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, विच इज स्टेबलाइज बाय -1/3. सो वॉट विल बी द CFSE, इट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय -1/3 डेल्टा 2. तो CFSE क्या हो गई भाई बोलो, CFSE आपकी जेड इन की ज़्यादा हो गई ना जेड आउट से, क्योंकि ये तो क्या है, नेगेटिव साइन स्टेबलाइजेशन. तो दैट मीन्स द D1 कॉन्फिग्रेशन इज गोना फेवर कंप्रेशन ओवर योर इलोंगेशन. तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, समझ गए ये बात. सिमिलरली अगर D2 बोलो तो D2 में क्या होगा भाई, दूसरा इलेक्ट्रॉन यही जाएगा ना, ऊपर मत भेज देना, पहले तो यही पूरी तरह से फिल होगा, देन ऊपर फिलिंग होगी, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा. तो बोलो जेड इन के केस में क्या होगा, D2 के केस में बोलो 2 मल्टीप्लाई बाय -2/3, तो कितना हो गया, -4/3 डेल्टा 2, ठीक है. बट आपका जेड आउट के केस में देखो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 डेल्टा 2, -2/3 डेल्टा 2, अभी भी ज़्यादा किसकी है, जेड इन की. तो D2 भी किसको फेवर करेगा, जेड इन को, कंप्रेशन को फेवर करेगा. D3 की देखो, D3 की बोलो नहीं होगी ना, यहाँ पे D3 मत फिल करने लगना है ना, D3 नहीं होगी, क्योंकि स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड की देखोगे 1, 2, 3 क्या आ जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे वो, क्योंकि इक्वल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ डिस्टॉर्शन नहीं होगी. नेक्स्ट केस लास्ट देख लेंगे, D4 हाई स्पिन, बोलो क्या होगा. सो 1, 2 देन देर विल बी 3, 4 इस केस में तो है ना, बट इलोंगेशन के केस में क्या होगा, 1, 2, 3, 4 पहले यही फिल होंगे है ना. तो देखो क्या होगा, CFSE बोलो, जेड इन के केस में कितनी होगी बोलो, सो 2 मल्टीप्लाई बाय -2/3 -4/3 डेल्टा 2 +2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 2/3 डेल्टा 2, व्हाट विल बी द आंसर, -2/3 डेल्टा 2. बट यहाँ देखोगे क्या होगी CFSE, 4 मल्टीप्लाई, दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी लेवल विच इज स्टेबलाइज बाय 1/3 डेल्टा 2, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सो -4/3 डेल्टा 2. तो इसकी एनर्जी क्या हो गई CFSE, ज़्यादा हो गई ना इससे, तो दैट मीन्स D4 हाई स्पिन इज गोना फेवर द जेड आउट, इट इज गोना फेवर द इलोंगेशन केस. D6 के केस में बोलो क्या होगा, D6 के केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना यहाँ के केस में. देखो D6 लो स्पिन में तो आपका आएगा ही नहीं, लो स्पिन में तो आपकी डिस्टॉर्शन है ही नहीं, हाई स्पिन में देखोगे है ना, पर दोनों के केस में तो सेम ही आएगी. तो D6 की तो आप ये जो अप्रोच है उसमें तुम D6 के बारे में नहीं बता सकते हो, निकाल के देख लेना सेम आएगा. D7 भी निकाल के देख लेना सेम आएगा. D8 की तो चलो होती ही नहीं है और D9 की भी सेम आएगा. अब प्रॉब्लम आ गई, इनका कैसे देखेंगे, समझ रहे हो बात. तो देखो इसमें क्या करोगे
आपका अगर मैं D9, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप ऑब्वियसली देख के नहीं बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी जिसकी वजह से इलॉन्गेशन होगी या कंप्रेशन होगी, ठीक है? क्योंकि आप बहुत ऐसे भी एग्जांपल देखोगे जहाँ पे D4 हाई स्पिन ही होगा और वो इलॉन्गेशन नहीं कर रहा होगा, वो कंप्रेशन कर रहा होगा। इसीलिए जो भी आपने एग्जाम्पल्स खुद से किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू फॉर दिस टॉपिक हुई, तो उसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से दिया है, आप वहाँ पे उसको देख सकते हो। तो जो आप नहीं देख रहे हो जिन कॉम्प्लेक्सेस को, वो फॉर श्योर आपको नहीं देगा, बिकॉज द एग्जामिनर इज ऑल्सो नो दैट इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, सो व्हाट ही और शी कैन आस्क दैट इन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री और इन अ पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन वेदर द डिस्टॉर्शन इज गोइंग टू हैपन और नॉट। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन अराइज इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, दैट आई एम गोना डिस्कस टुडे ओनली। That if the distortion is happening, then what are the changes is going to happen? Obviously, there will be huge changes because the whole structure is going to change. So the kinetic stability, thermodynamic stability, everything is going to change, right? So that things we are going to discuss today. One more thing, if I can tell you, is the case of your D9, right? So, देखो D9 के केस में की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे ना, उनमें आपकी इलॉन्गेशन होगी। मोस्टली आपको कॉपर के कॉम्प्लेक्स जो मिलेंगे, कॉपर प्लस टू के, उसमें आपकी इलॉन्गेशन होती है, ठीक है? उसका रीज़न भी समझ लेंगे। देखो इलॉन्गेशन होती है, ठीक है? D9 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहाँ पे गया आपके dx²-y² में, है ना? तो आपका यहाँ पे चला गया आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब वो बोल रहा है कि मोस्टली इलॉन्गेशन होती है, तो कहाँ से देखोगे? बैक, यहाँ से देखोगे ना ड्राइविंग फोर्स, तो यहाँ से देखोगे कि हाँ क्या हो रहा है, जो आपकी ऑक्टाहेड्रल है वहाँ से देखोगे। अच्छा ये ध्यान रखना है ना, ये इसका एनर्जी है, ठीक है? तो देखो D9 अगर यहाँ फिल करें तो बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब 9 इलेक्ट्रॉन वी डोंट नो। अब अगर तो ये क्या है, इलॉन्गेशन हो रही है, तो दैट मीन्स ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है, dz² में, उसी की वजह से ये हो रहा है। समझ रहे हो बात, ठीक है? अब ऐसा क्यों है? मोस्टली आपका D9 कॉन्फिगरेशन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी dz² में क्यों आती है? बिकॉज यू नो दैट dz² इज द ओवरलैपिंग ऑफ योर dz²-x² एंड dz²-y², समझ गए बात? इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन लोज में रहना ज्यादा प्रेफर करती है, बिकॉज ये दो ऑर्बिटल का ओवरलैप है, ओके? एंड दैट इज वाई दिस इज गोना डू द इलॉन्गेशन इन केस ऑफ योर D9। इसीलिए आपको मोस्टली D9 के केसेस में इलॉन्गेशन मिलेगी। अब आप मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिकॉज कल जो हमने क्वेश्चन किया दैट वॉज K2PB कॉपर NO2-6, राइट? तो हियर इट वॉज योर कॉपर प्लस टू कॉम्प्लेक्स, मतलब D9 कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो डायनेमिक स्टार केस था, डायनेमिक डिस्टॉर्शन का केस था, और वहाँ पे आपको रूम टेम्परेचर पे अगर आप देखने लगोगे तो आपको सारे बॉन्ड लेंथ एक मिलेंगे, क्योंकि वो एवरेज देता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी इलॉन्गेशन और कंप्रेशन इक्विलिब्रियम में है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स को देख के नहीं बोल सकते, बट येस अगर आपको पता है कि हाँ इलॉन्गेशन हो रही है, तो यू कैन इजिली एक्सप्लेन दैट वाई दैट इलॉन्गेशन इज हैपनिंग, दैट थिंग यू कैन एक्सप्लेन, राइट? बट एनोनिमस कोई भी कॉम्प्लेक्स को यू कांट से, राइट? बट येस देर आर सम अप्रोचेज दैट यू कैन अप्लाई, ऑलराइट? सो यू कैन गो थ्रू द एग्जाम्पल्स दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक लाइक इन हुई, फ्रॉम देर यू कैन स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डू टुडे इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, दैट वॉट आज हाउ दिस इज गोना इफेक्ट ऑन द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, ओके? सो लेट्स डू दैट। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस देखेंगे आप अपनी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का, दैट इज वो आप ग्राफ से समझो थोड़ा। देखो मान लो कि ये वाई एक्सिस पे आपका क्या है, मैं कुछ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, लॉग के की कोई रिएक्शन है उसका कोई पर्टिकुलर स्टेप है उसकी हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और वो जो बना रहा है कॉम्प्लेक्स टाइप उसका हाई स्पिन है, लॉग के दिखा रहा है उसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और मैं 3D ट्रांजिशन फर्स्ट रो ले रही हूँ, सो लेट अस से दिस इज द एटॉमिक, दिस इज द एटॉमिक नंबर अलोंग योर एक्स एक्सिस, सो दिस इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, this is the atomic number, okay? So dekhenge, dekho, the 21 that is scandium plus 2, so I am taking the M2 ion, so I am taking the high spin of M2 ion, okay? So we don't have data for the scandium and your titanium because
दैट मे बी डू नॉट एग्जिस्ट, दैट इज वाई. सो आई एम स्टार्टिंग विद द 23rd, दैट इज वेनेडियम. ओके, वेनेडियम प्लस टू. सो वेनेडियम प्लस टू की वैल्यू मान लो कहीं यहाँ पे मिलती है, ठीक है, जो स्टेबिलिटी है वो कुछ इतनी है. क्रोमियम के लिए, क्रोमियम प्लस टू के लिए वैल्यू उससे थोड़ी क्या है, हाई. उसके बाद मैंगनीज के लिए वैल्यू हो जाती है लो. पहले मैं वैल्यूज लिख देती हूँ, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. आयरन के लिए वैल्यू बढ़ जाएगी, कोबाल्ट के लिए हाई हो जाएगी, निकल के लिए और हाई हो जाएगी, लेकिन कॉपर के लिए बहुत हाई हो जाएगी, देन आपकी जिंक के लिए. मिला देंगे ये वैल्यूज तो आपको कैसा दिखेगा, लेकिन यहां से कुछ एब्रप्ट हाई एंड देन. ये जो सीरीज है इसको बोला जाता है इरविंग विलियम सीरीज, एंड दिस सीरीज इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड. तो बस हाई स्पिन की बात हो रही है, कोई भी लिगेंड मेटल प्लस टू का जो हाई स्पिन बनाए उस पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो इस सीरीज को इरविंग विलियम सीरीज बोला जाता है. तो देखो, लेफ्ट टू राइट नॉर्मली जाओ तो आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि इंटरैक्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. आपके साइज़ का फैक्टर आ जाएगा अलॉन्ग द सीरीज, जो मेटल आयन का साइज है वो स्मॉल होगा, तो उसके वे में इट शुड इंक्रीज, राइट. एंड वाई दिस इज डिक्रीजिंग हियर, बिकॉज दिस इज योर मैंगनीज प्लस टू, है ना. तो हमें पता है हाई स्पिन में मैंगनीज प्लस टू क्या होती है, सी एफ एस सी जीरो, दैट इज वाई दिस इज द लोएस्ट वन. अदरवाइज दिस इज इंक्रीजिंग इन दिस मैनर, बट देर इज अ अनयूजुअल थिंग विच इज द आई वुड से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस टू, राइट. ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ योर कॉपर प्लस टू कंपेरिजन टू द अनदर वन, राइट. अदरवाइज नॉर्मली ये इसी लाइन में कहीं यहाँ पे आ जाना चाहिए था पॉइंट, है ना. तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, जिंक की. बट देर इज अ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस टू. वाई वी हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस टू आयन्स. सो सी एफ एस सी तो है ही है, स्मॉल साइज तो है ही है, लेकिन द कॉन्ट्रीब्यूटिंग द मेजर फैक्टर विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस टू आयन्स इज वॉट इज द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, D9 का केस है, स्ट्रांग होगी. जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज द दैट इज वाई द मेजर रीजन दैट वाई वी आर हैविंग सो मच हाई इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी. सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, द डिस्टॉर्शन इज हैपनिंग टू गेट स्टेबिलाइज, यू नो दैट, राइट, दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर. सो दिस इज द फर्स्ट वी कैन से कॉन्सिक्वेंस दैट कैन एक्सप्लेन दैट हाउ द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस टू आयन्स. So that's it for today. The consequences which are left is the thermodynamic stability of your chelate type of complexes, and then I'm going to discuss the kinetic stability of the complexes, and then the disproportionation reaction that is showed by the gold to ion. So all of these properties are very important for your entrance exams, क्योंकि यहाँ से question mostly पूछ लिया जाता है, ठीक है. So ये हम next lecture में करेंगे. Thank you so much for listening.